दिखाना। सो हम हमारे लिपस्टिक से सर्च स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में हमें क्या करना है, हमें डाटा बनाना है बार ग्राफ। जैसे बार ग्राफ हमें क्यों चाहिए, मान लो हमें क्लास में बताया कि 10 स्टूडेंट्स को रेड कलर पसंद है, 20 स्टूडेंट को ब्लू कलर पसंद है, 30 स्टूडेंट्स को ग्रीन कलर पसंद है, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे को बार ग्राफ रिप्रेजेंटली। तो हमारे 3.3 में हमें बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब देखो बार ग्राफ बना के कैसे बनाए, देखो बार ग्राफ क्यों चाहिए हमें, हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो उनको हम जो हमने टेबुलर फॉर्म की थी 6th क्लास में हम शो नहीं कर सकते उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं बार ग्राफ की हेल्प से बनाते हैं। देखो जैसे हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमें बार ग्राफ दिए हुए हैं, हमें सिर्फ क्या बताना है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फ्लोइंग। देखो बार ग्राफ हमें क्या दिया हुआ है, हमें बार ग्राफ पहले ही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, इस एक्सिस पे पैट एनिमल्स, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एनिमल्स बताए हुए हैं कि कितने पैट, जो मतलब जैसे डॉग हमारे कितने स्टूडेंट्स जो है डॉग रखते हैं, कितने का है 8। उसके बाद कैट का है हमें 10। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कैट रखते हैं अपने घर पे। उसके बाद रैबिट हमें क्या दिया हुआ है, 5 का मतलब क्या है, देखो 4 और 6 के बीच में हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। देखो हमने ये बार ग्राफ कैसे चूज किया, अपने अकॉर्डिंग चूज किया, हमें वहां देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो जो थे हमारे 15 से कम थे, जो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, 2-2 का गैप में हमने बार ग्राफ ले लिया। और जो हमारी ग्राफ के अंदर ये 1 यूनिट होती है, ये किसके इक्वल होती है, ये 1 यूनिट हमने यहाँ किसके इक्वल लिया, 2 के। 1 यूनिट किसके इक्वल लिया है, 2 स्टूडेंट्स के इक्वल। इसमें हमें बार ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या बताना है, जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अदर्स मतलब जो इनके अलावा एनिमल्स हैं वो है 3। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनके अलावा अदर एनिमल्स रखते हैं। यहाँ पे था हमारा हैमस्टर्स। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें कहा है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट विच इज मोस्ट पॉपुलर पैट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज मोस्ट पॉपुलर पैट, मतलब पॉपुलर का कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा रखा गया है, तभी वो पॉपुलर रहेगा। अब देखो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, देखो स्टार्टिंग से ये कि डॉग्स कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स डॉग रख रहे हैं, कैट 10 स्टूडेंट्स, रैबिट 2 स्टूडेंट्स, हैमस्टर्स 5, अदर्स 3। अब सबसे ज्यादा कौन सा पैट है जो स्टूडेंट्स रख रहे हैं, ये कैट, कैट का बार ग्राफ सबसे लंबा है तो क्या है कैट, कैट क्या है हमारा मोस्ट पॉपुलर पेट एनिमल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा रखा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। अब क्या पूछा है, ये कहा है कि डॉग्स जो डॉग है वो कितने स्टूडेंट रख रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट्स हैं जो डॉग रख रहे हैं, 8 स्टूडेंट। क्लियर है सबको, अगर हमें बार ग्राफ दिया हुआ है और हमें उसके क्वेश्चंस फाइंड करने हैं तो पहले क्या करोगे, बार ग्राफ चेक कर लो, उसका स्केल देख लो, क्या दिया हुआ है चेक कर लो, फिर बस जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो बार ग्राफ की हेल्प से बता दो। अब हम करते हैं कि हमें अगर बार ग्राफ, ये तो क्या था बार ग्राफ दिया हुआ है, अब अगर हमें बार ग्राफ बनाना आ जाए तो कैसे बनाओगे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा,
नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिक्स डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। सिक्स क्लासेस में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। हमें क्या करना है, जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको क्या करना है, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करते हैं, पहले क्या चेक करोगे, हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अब इसमें देखो फिफ्थ क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, क्या दिया हुआ है, सिक्स स्टूडेंट्स के हमें कितने स्टूडेंट है क्लास में वो दिए हुए हैं। क्लास एंड चिल्ड्रन, सिक्स क्लास में कितने बच्चे हैं, पहले फिफ्थ में देख लेते हैं, फिफ्थ से नाइन्थ दिए हुए हैं। फिफ्थ क्लास में हमारे स्टूडेंट है 135, सिक्स में 120, सेवन्थ में 95, एट्थ में 100, नाइन्थ में और टेंथ में। देखो नाइन्थ में कितने हैं, 90 स्टूडेंट, टेंथ में 80 स्टूडेंट्स। हमें क्या बनाना है, पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ विल यू चूज अ स्केल, मतलब स्केल क्या था जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, टू टू के गैप में था पहले। अब हम देखो अगर टू टू के गैप में लेते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 135, तो स्केल कितना आएगा ग्राफ पर रिप्रेजेंटिंग करेगा। टू के गैप में लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 135 कहाँ आएगा, बहुत ज्यादा आगे। तो हम इसमें स्केल कैसे चूज करेंगे, देखो हमारी वैल्यू चेक कर लो क्या है 80, 90, 100। अगर हम स्केल चूज करें 10, 10 का, तो हमें क्या चाहिए 135 तक चाहिए, वो भी बड़ा हो जाएगा। ग्राफ पे तो हम बना सकते हैं 10, 10 का, यहाँ पे क्या करेंगे 20, 20 का स्केल चूज कर लो, जैसे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या चाहिए थी 135 यहाँ आ जाएगी। तो अब इसके हम 10, 10 का अगर स्केल चूज करेंगे वो हमारे लिए और भी इजी होएगा सॉल्व करना। अब इसमें क्या कहा है, इसको बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, वहां पे पेट एनिमल्स दिए हुए थे ना, सेम इसमें क्या दिया हुआ है क्लास, यहाँ पे क्या है हमारे क्लास, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है क्लासेस में स्टूडेंट्स। कैसे करोगे, अब पहले फिफ्थ क्लास को रिप्रेजेंट करना है। देखो ग्राफ में यहाँ पे कोई भी एक ओरिजिन लेके, जो एक हमारा ये बॉक्स होता है इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वन यूनिट कितने के इक्वल लिया हमने, 20 चिल्ड्रन के। अब देखो हमें यहाँ बनाना है सबसे पहले फिफ्थ क्लास का 135 कहाँ आएगा, देखो ये क्या 120, मीटर वाला क्या आएगा 130, 135 से ऊपर आएगा, तो मतलब ये क्या आएगा हमारा 135। क्लियर है कैसे आया, 120, 140 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा 130, और 130 और 140 के बीच में 135। ये क्या है हमारी फिफ्थ क्लास। अब सिक्स्थ क्लास में क्या है 120, बिल्कुल यहाँ पे देखो ये वन यूनिट यहाँ पे आ गया। अब वन यूनिट हमें क्या करना है लेफ्ट, उसके बाद बनाना है 120 सिक्स्थ क्लास। क्लियर है कैसे बनाया। अब सेवन्थ क्लास में 95 कहाँ आएगा, 80 के बिल्कुल मिडिल में 90, 90 और 100 के बीच में 95। ये स्केल की हेल्प से बिल्कुल डायरेक्ट कर लेना। ये क्या है हमारी सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास 100, नाइन्थ क्लास 90, 80 और बिल्कुल इसके बीच में, टेंथ क्लास 80। क्लियर है कैसे आया, ये वन वन यूनिट में बनेंगे और वन वन यूनिट का यहाँ पे गैप आएगा ताकि हमारा क्लियर डाटा रिप्रेजेंट होए। अब क्वेश्चन देखते हैं हमें बताना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में था हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कैसे चूज किया, वन यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है
which class has the maximum number of student and minimum. Maximum का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा student कौन सी class में है. अब देखो बार ग्राफ की हेल्प से भी हम बता सकते हैं सबसे ऊंचा बार ग्राफ कौन सी क्लास का है. फिफ्थ का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, फिफ्थ क्लास. और कितने हैं, 135. अब हमें बताना है मिनिमम. मिनिमम क्या होएगा, सबसे कम. विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ वी कैन फाइंड सबसे शॉर्टेस्ट बार ग्राफ किसका है, 10th क्लास का. एंड फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 80. मिनिमम क्या आएगा, 10th क्लास कितने स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स. थर्ड में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन 6 टू क्लास 8. देखो रेशो कैसे फाइंड करते हैं, रेशो किसके बीच में पूछी है, सिक्स्थ और एट्थ क्लास के बीच में. सिक्स्थ क्लास की देखो, सिक्स्थ क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 120. एट्थ क्लास में 100. ये क्या है हमारी रेशो बिटवीन सिक्स्थ एंड एट्थ क्लास, 120 रेशो 100. रेशो के लिए दो डॉट्स डालते हैं बीच में. अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, जीरो से जीरो कैंसिल. अब टू पे कैंसिल हो ए, 6:5. यही हमारा आंसर है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, चूज अ, क्या बताया था, चूज अ स्केल. चूज अ स्केल कैसे फाइंड करोगे, जब बार ग्राफ बनाओगे तभी चूज करोगे. हमने बार ग्राफ में क्या देखा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारी 135, तो हमारे ग्राफ में 135 तो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया 135 ऐसे नंबर चूज किए जहाँ पे 135. और 20 से इजी पड़ जाता है, 10 से भी बना सकते हैं 10-10 के गैप में. और 135 यहाँ पे था. उसके बाद क्या था, लोएस्ट वैल्यू देख ली हमने 80. अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ. द लोएस्ट बार रिप्रेजेंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड लोएस्ट मिनिमम. और थर्ड में हमें क्या बताना था, रेशो. भाई यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट हम करेंगे डबल बार ग्राफ कल को. थैंक यू.